बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ मटन लौकी। लौकी बनाने के लिए इस तरह से मैंने ये मटन का गोश्त ले लिया है, ठीक है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसके साथ मैं आपको इसके मसाले दिखाती हूँ। ये देखिए, सही है, इसको मैंने वॉश कर लिया है। 4 डलियाँ मैंने प्याज की ली हैं और इसको मैं बारीक बारीक कट करूँगी। साथ में देखिए, इस तरह से मैंने ये मसाले निकाले हैं। 2 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक है और 4 टेबल स्पून धनिए के हैं और 1/2 टेबल स्पून मैंने ये हल्दी का लिया है, हल्दी पाउडर का, ठीक है। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। सबसे पहले एक पैन में मैंने ये 1 कप के करीब ऑयल ले लिया है। ऑयल को अच्छी तरह गर्म करके इसके अंदर हम प्याज फ्राई करेंगे। देखिए, इस तरह से प्याज मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली है, इसको मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया। अब प्याज फ्राई करूंगी। देखिए, प्याज ब्राउन होने शुरू हो गई है और थोड़ी सी गुलाबी होगी प्याज, तो मैं इसमें मसाला भूनूंगी। जो मसाले अभी मैंने आपको दिखाए हैं वो इसमें डाल के मैं मसाले की भुनाई करूंगी। देखिए, प्याज फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं ये सब मसाले इस तरह से ऐड करके इसको पानी के साथ इसकी भुनाई करूंगी। अच्छी तरह से मसाले की भुनाई करने के बाद हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। देखिए, मसाला भुन रहा है। देखिए, मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। अब इसके अंदर मैं गोश्त ऐड करूंगी। गोश्त तकरीबन मैंने 1/2 किलो के करीब मैंने गोश्त लिया है और जब इसके अंदर गोश्त के साथ मैं इसमें पानी डाल दूंगी ताकि हमारा गोश्त ये गल जाए, ठीक है। ये देखिए, ये जो आपको प्याज अभी नज़र आ रही है, ये गोश्त के साथ इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी और सब प्याज की अच्छी तरह से गल जाएगी। अब मैं इसमें इतना पानी ऐड करूंगी कि गोश्त गल जाए, फिर मैं आपको इसकी भुनाई करके दिखाती हूँ। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में गोश्त गल जाएगा। गोश्त गल चुका है और देखिए, इस तरह से मैंने मसाले की भुनाई कर ली है, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं दही ऐड करूंगी। दही को हम अच्छी तरह से भून के इसके अंदर हम शोरबा डालेंगे और जितना हमें शोरबा रखना है उस हिसाब से रखकर इसके अंदर हम लौकी ऐड करेंगे। जब तक दही की भुनाई हो रही है तो मैं लौकी को काट लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये मैंने 1/2 किलो लौकी ली है, इसको मैं काटूंगी। ये भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूंगी, जितना हमें शोरबा रखना है उतना मैं पानी ऐड करूंगी इसके अंदर। देखिए, इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसको चेक करूंगी कि मुझे इसमें कितना शोरबा रखना है, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से ये देखिए मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है और अब मैं इसके अंदर, जैसे इसके अंदर उबाल आएगा तो इसमें मैं लौकी डालूंगी। इस तरह से लौकी को मैंने काट लिया है, ठीक है। अब इसको मैं सालन में ऐड करूंगी। हमने जो इसके अंदर पानी डाला था उसका शोरबा तैयार हो चुका है, पक चुका है। पकते हुए शोरबे में हम इस तरह से इसमें लौकी ऐड करेंगे। इस तरह से लौकी ऐड कर दी है मैंने, ठीक है। पानी हमेशा लौकी से पहले डालते हैं क्योंकि अगर लौकी के बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे शोरबे के लिए तो लौकी जो है ना गलती नहीं है, सख्त रह जाती है लौकी ना। तो इस तरह से लौकी को हमेशा पानी डालने के बाद डालिए, चाहे आप लौकी की सब्ज़ी बनाएं या लौकी का सालन बनाएं, यानी कि लौकी गोश्त बनाएं, हमेशा पानी पहले ऐड कीजिए। इस तरह से देखिए जोश आना शुरू हो गया है। इसके अंदर 4 से 5 मैं हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ।
जैसे ही लौकी गलती है तो फिर मैं आपको तैयारी पे दिखाती हूँ। इस तरह से ही मैंने पुदीने की पत्तियाँ तोड़ ली हैं और इसको मैं बारीक बारीक काट के आखिर में शोरबे में ऐड करूँगी। देखिए लौकी गल चुकी है, ठीक है, और जितना आपको इसमें शोरबा पानी रखना है आप रखिए। अब मैं इसके अंदर पुदीना ऐड करूँगी। लौकी गल चुकी है और खाना तैयार हो चुका है। ये देखिए लौकी गोश्त तैयार है इस तरह से, और अब इसके अंदर मैं पुदीना ऐड करूँगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सवा गरम मसाला मैंने इसमें ऐड किया है और इस तरह से लौंग मैंने बनाया।